पेंगुइन एक समय में डुबकी लगाकर एक बार में लगभग 30 मछलियां पकड़ सकता है। पेंगुइन अपनी आंखों का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। वह अपने आंखों पर एक विशेष तरह का तेल लगाता है जिससे उनकी आंखें वाटरप्रूफ रहती हैं। पेंगुइन ठंडे बर्फीले इलाकों में रहते हैं। पेंगुइन सारा खाना समुद्र से ही प्राप्त करते हैं। मछलियां, झींगा, केकड़े आदि को अपना मुख्य भोजन बनाते हैं। पेंगुइन समुद्र का खारा पानी पी सकता है क्योंकि उनके पास एक विशेष प्रकार की ग्रंथि होती है जो रक्त प्रवाह से नमक को अलग करने का काम करती है। क्यों मासूम से दिखने वाले पेंगुइन को आखिर वैज्ञानिक दुनिया के लिए खतरा मानते हैं? की जानकारी के लिए बता दूं कि वैज्ञानिकों की खोज में सामने आया है कि पेंगुइन के मल में शुक्र ग्रह पर पाए जाने वाला एक केमिकल फास्फीन मिला है। हालांकि वह ये नहीं बता पाए कि शुक्र ग्रह से 38 मिलियन दूर पृथ्वी पर फास्फीन कैसे मौजूद है। यह कार्बन डाइऑक्साइड से भी 300 गुना खतरनाक है। यह ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ाता है। ग्लोबल वार्मिंग से धरती की बढ़ती तापमात्रा से जमी हुई बर्फ पिघलने लगेगी जिससे जल स्तर बढ़ता जाएगा और सारी बर्फ पिघलने से धरती की स्थल पूरी तरह डूब जाएगी।